आज उत्तर प्रदेश आलीगढ़ ठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी रो शिलान्यास करछंती आसंतु देखिबा एहार सीधा प्रसारण राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में रही अली पहचान को देख खुश हुए होते और जहां भी होगी आशीर्वाद देती होगी। साथियों, भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या इस तपस्या से देश की को परिचित ही नहीं कराया गया, उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी राम जी हो, फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी इनके योगदान से परिचित कराने का आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड
जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे।